नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में स्त्री शिक्षा के स्रोत। स्त्री शिक्षा के स्रोत क्या क्या हैं भारत में? बहुत सारे शिक्षा आयोग बने, बहुत सारी समितियाँ बनी, तो इन सभी समितियों को आपको याद रखना है कि ये जो समितियाँ हैं वो कौन से सन में बनी, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। आपको बस सन को याद रखना है कि ये कब बना था। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा जो समिति है वो बनी थी 1958 में। इससे महिलाओं को आगे बढ़ने की दिशा में बहुत ही यह कारगर साबित हुई थी। राधा कृष्णन जो आयोग है वो बना था 1948-1949 में। इसको अभी भी आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि राधा कृष्णन आयोग कब बना था, यह राधा कृष्णन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1948-1949। प्रोफेसर राम मूर्ति समिति, यह भी शिक्षा की दिशा में या कहा जाए स्त्री शिक्षा के स्रोत की दिशा में बहुत ही अच्छी साबित हुई थी। तो प्रोफेसर राम मूर्ति समिति बनी थी 1991। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि बनी थी 1986, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद कोठारी आयोग, ये भी पूछा जाता है, कोठारी आयोग से प्रश्न जो है वो अवश्य ही पूछा जाता है। यह बना था 1964 में। उसके बाद महिला समाख्या, ये बनी हुई थी 1989 में। तो इन जो सभी समितियां हैं, इन समितियों को, इन आयोग को आपको सन के साथ याद रखना है। धन्यवाद।